ये बोली कि कांड जो हुआ था जिसके बारे में आप मैं कल रात 8:30 बजे की घटना है जिस समय मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था वहां गया हुआ था लेकिन मेरे यहाँ पर मेरे घर के सामने 8-10 लोग आके हल्ला मचाने लगे आपस में बहस करने लगे और इतने में क्या होता है कि एक आदमी उधर उन्हीं में से एक आदमी आता है और पहले एक फायर करता है फिर दूसरा फायर करता है फिर वो दोबारा तीसरा लोड करता है एक आदमी बेसबॉल के बल्ले में खड़ा है आपस में वो बहस कर रहे हैं जिसमें से जी आज मेरे को सुबह पता चला कि उसमें कोई एक सांसी है जो फायरिंग किया है मेरी समझ में नहीं आया कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं मैंने किसी से कुछ नहीं हाँ ये जरूर है सांसियों के खिलाफ मैंने बड़ा आंदोलन चलाया है दुकानें बंद करने के लिए अवैध शराब के लिए बाकी लोगों के लिए हमेशा लड़ता रहा हूँ आंदोलनकारी हूँ रात को 100 नंबर डायल किया मेरे घर से मेरे ब्रदर ने पुलिस वाले ने पूछा क्या हुआ उसने बताया कि फायरिंग हुई है विधायक जी के घर के बिल्कुल गेट के सामने मेरे घर के सामने ही 20 फुट चौड़ी रोड है उस पर मेरी गाड़ी खड़ी है गाड़ी के पास खड़े लड़ रहे हैं लोग उनका या तो ये मकसद होगा कि लड़ाई का झगड़ा सुन के विधायक जी बाहर आएंगे तो उसके बाद वो फायर ऊपर की जगह मेरी तरफ करना होगा ये समझ में नहीं आया कि वो लोग कौन थे लेकिन आज सुबह पुलिस आई है कल रात में पुलिस नहीं आई सुबह पुलिस आने के बाद कार्रवाई हुई DCP साहब भी आए हुए थे अब उसके बाद कार्यक्रम आगे चला है मेरे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड बैठा दिया उन्होंने अब कितने दिन बैठे आए तो पता नहीं और एक आदमी निशानदेही पर उन्होंने पकड़ा है उसके बाद देखते हैं कि वो कहाँ तक कार्रवाई को लेके जाते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि दिल्ली पुलिस पूरा साथ देगी और इस कार्यक्रम जो ये घटना हुई है उसकी सच्चाई को लेके आएगी कितने आदमी थे लगभग 8 आदमी के आसपास हैं मेरे पे वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मेरे कैमरों से रिकॉर्ड हुई है मेरे घर के आगे जो कैमरे लगे हैं उसमें थैंक यू सर और सर एक चीज़ और बता दीजिए